सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 को, जहां पर हम बात करेंगे सम बेसिक एग्जांपल ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ यहां पर प्रोग्राम लिखते हैं, उन प्रोग्राम के बारे में फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा ये होगा, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमें यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का सी लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम बनाना है। देखो बच्चों, अभी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ आपको सिलेबस बताया है, ठीक है। सिलेबस डिस्कस किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का। अभी जो मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहा हूँ इस लेक्चर नंबर 2 में, उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बस हम ये देख रहे हैं इस वीडियो में, लेक्चर में, कि हम प्रोग्राम में क्या क्या लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ठीक है। बस एक बेसिक सा ओवरव्यू है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बस सिर्फ आपको यहाँ पर वॉच करना है, देखना है, करना भी कुछ नहीं है। जब करने के लिए समय आएगा तो हम आपको बतलाएंगे आपको क्या टाइप करना है, कैसे आपको लिखना है। तो मैं इस प्रोग्राम का, इस जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर प्रोग्राम बनाता हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, हैस इंक्लूड stdio.h, ऐसे मैंने कुछ लिखा ऐसे करके, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच ऐसे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा void main, ऐसे लिखा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा clrscr क्लियर स्क्रीन। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर लिखा गेट सी एच, इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, इसको हम एक प्रोग्राम बोलते हैं सी लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम। हमने एक प्रोग्राम बना लिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं सी लैंग्वेज में, कि प्रोग्राम बना लिया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है यह भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बस आपको ये देखना है कि मैंने क्या लिख दिया है ना, क्या लाइन लिख दी है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है, इस प्रोग्राम का नाम मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ए बी सी डॉट सी, ये लिख दिया है भाई। क्या लिख दिया? ए बी सी डॉट सी लिख दिया है। अब बात यह आती है कि सर ये प्रोग्राम आपने लिख तो दिया हेलो वर्ल्ड, इस प्रोग्राम को हम या बोर्ड पर लिखेंगे या कहीं और भी लिखेंगे? तो भाई, इस प्रोग्राम को हमें एक एडिटर पर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हम यूज़ कर रहे हैं कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर का नाम क्या है? टर्बो सी प्लस प्लस। इस टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पर ये वाला प्रोग्राम लिखूँगा। इस प्रोग्राम का एक दूसरा नाम है जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। तो इस सोर्स कोड को इस टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर पर लिखा जाएगा और वहाँ से हम इसको रन करेंगे। तो चलिए, ये तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख दिया, और प्रोग्राम के बाद हम क्या काम करेंगे, अब टर्बो सी प्लस प्लस पर इस कोडिंग को लिखेंगे और रन करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर के पास। अब बात यह आती है कि हम कंपाइलर को कहाँ से लाएँ, तो कैसे डाउनलोड करें। तो आपको जाना है कहाँ पर? अपने ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर लिखना है टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड, ठीक है, एंड देन एंटर कर देना है। तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन लिखे हुए नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर ये जो डाउनलोड का लिंक बटन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे,
जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो फाइल है वो ओपन होके आएगा, उसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखो ये यहाँ पर खुल चुका है इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर लिखा है देखो टर्बो एक्सप्लोरर डाउनलोड साइट लिखा है, डायरेक्टली फ्रॉम कोड गियर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर भी यही पेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस कम्युनिटी ओपन होगी और यहाँ पर देखते हैं क्या ये आएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है ये डाउनलोड, ठीक है, टर्बो एक्सप्लोरर डाउनलोड। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना, लेकिन ये कम्युनिटी वगैरह है। चलो मैं यहाँ से एक क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से डाउनलोड होगा तो ठीक, वरना तो पीछे वेबसाइट पर जाते हैं। और यहाँ पर ये देखते हैं, ये वाला कोड ओपन करके देखते हैं, ये डाउनलोड डेवलपर इनसाइडर, ठीक है। इसको यहाँ पर देखते हैं क्लिक करके यहाँ पर क्या आता है। देखो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर आ रहा है, हाउ टू इंस्टॉल सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड आ रहा है लिखा हुआ इस तरीके से, कैसे इसको लिखेंगे और कैसे ये ऑप्शन होगा, कैसे ये ओपन होगा, पूरे स्टेप यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, किसको डाउनलोड, टर्बो सी प्लस प्लस को। तो ये यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये कह रहा है योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट विद इन 4 या 3 to 1 सेकेंड पर, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो देखो ये यहाँ पर अपने आप स्टार्ट होकर के ये जिप फोल्डर आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कहाँ पर चली गई है, डाउनलोड फोल्डर में आप देखेंगे तो इसको डाउनलोडर जो फोल्डर है डाउनलोडर वाला, ये कहाँ है डाउनलोड्स वाला, ये तो यहाँ पर देखो ये आ गई है टर्बो C.3.20। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये एक फोल्डर निकलेगा टर्बो C.3.2। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका एक सेटअप एप्लीकेशन निकलेगी, ये लिखा है यहाँ पर सेटअप, ओके। आप विंडो यहाँ पर लिखा विंडोज इंस्टॉलर पैकेज, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके इसको आप ओपन कर लेंगे। जैसे डबल क्लिक कर देंगे तो सी का सेटअप चल जाएगा और ये पूरे का पूरा इंस्टॉल हो जाएगी फाइल। बात समझ में आ गई है। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पर इस तरीके से एक आइकन आ जाएगा, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने पर ये वाला जो विंडो है ये चल जाएगा इस तरीके से। और ये जो है आपका टर्बो जो सी प्लस प्लस है ये एडिटर यहाँ पर ओपन हो गया है। ये जो ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है ये एडिटर है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये कुछ कमांड्स हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, मीनूज है। फाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ अंदर यहाँ पर निकलेगा, इसे न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ऐसी एडिट में क्या कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ हमें यहाँ पर फाइल पर जाना है और न्यू पर क्लिक करना है। तो न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू फाइल आ जाएगी। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए क्या है, या तो आप फाइल पर जाएँ और यहाँ पर सेव एज कर दें। सेव एज करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये नाम पूछेगा, क्या नाम पूछेगा कि कोई एक अपने फाइल का नाम रखिए। तो मैंने अपनी फाइल का नाम रखा abc.c एंड देन इसको ओके कर दिया यहाँ से, देखो ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे abc.c जो है वो आ गया है यहाँ पर ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें अपना प्रोग्राम लिखना है, तो मैंने क्या लिखा था वहाँ पर बोर्ड पर, मैंने लिखा था हैज़ इंक्लूड, ये आपको कीबोर्ड से लिखना है यहाँ पर stdio.h इस तरीके से, और कुछ लिखना है ऐसे हैज इंक्लूड, और यहाँ पर लिखना है conio conio.h ऐसे। फिर आपको लिखना है void main इस तरीके से, ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर लिखना है clrscr क्लियर स्क्रीन ऐसे, सेमीकोलन लगाना है, प्रिंट एफ। फिर आपको लिख देना है यहाँ पर क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आपको ये लिख देना है।
इस तरीके से सेमी कोलन लगाना है, गेट सी एच लिखना है और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा करके इसको क्लोज कर देना है एंड देन ये वाले ब्रैकेट लगा देना है। अब ये प्रोग्राम आपने यहाँ पर लिख दिया है, लिखने के बाद इस प्रोग्राम को आप चाहो तो सेव कर सकते हो, सेव के लिए F2 की का भी यूज कर सकते हो, तो सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हमने चलो प्रोग्राम लिखना सीख लिया, यहाँ पर सोर्स कोड को लिख दिया, ये जो आप कोड देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक इसको सोर्स कोड बोलते हैं। ये सोर्स कोड हमने कहाँ लिख दिया, इस एडिटर पर लिख दिया। ये एडिटर किसका है, टर्बो सी प्लस प्लस का, यह टर्बो सी कंपाइलर का है। बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करें, तो रन करने से पहले इसको कंपाइल करना होगा। तो यहाँ पर आप कंपाइल वाले ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पर ऑल्ट प्लस F9 की प्रेस कर दें या डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दें। तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस लाइनों को रीड करेगा और रीड करने के बाद ही इसको कंपाइल कर देगा। यहाँ पर वार्निंग 0 आनी चाहिए और एरर भी 0 आनी चाहिए। और ये हमसे क्या कह रहा है, प्रेस एनी की, कोई सी भी की आप प्रेस कर दो। तो यहाँ पर मैंने एंटर की प्रेस कर दी। ये पूरे का पूरा जो सोर्स कोड था ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने पर रन पर ऑप्शन जाना पड़ेगा, रन ऑप्शन पर, और रन पर यहाँ पर जाके क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल F9 आप प्रेस कर दीजिए। आपने कर दी, ये प्रोग्राम रन हो गया और ऊपर आप आउटपुट देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो प्रोग्राम हमने लिखा, कहाँ लिखा, एक एडिटर पर लिखा, फिर उसको हमने सेव किया, फिर हमने उसको कंपाइल किया और फिर हमने उसको क्या कर दिया, रन कर दिया। यहाँ पर आप जनरली कोई सी भी की प्रेस कर देंगे तो ये प्रोग्राम पर वापस आ जाएगा। देखो इस तरीके से ये वापस आ गया है। क्लियर, यहाँ पर नो कर दो या यस कर दो, जो आपको करना वो यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ओके, तो ये जो प्रोग्राम लिखा था आपने include stdio.h include conio.h इसका प्रोग्राम का आउटपुट भी आप देख चुके हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो आगे थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ़ कर देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से रफ कर दिया। ओके, और चलो अब एक छोटा सा प्रोग्राम और लिखेंगे या एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाऊंगा आपको, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, हमने यहां पर स्टेप 1 पर ओपन किया किसको, टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को। ठीक है, इसको हमने ओपन किया। स्टेप नंबर 2 पर हमने क्या लिखा, राइट आवर सोर्स कोड, हमने अपना सोर्स कोड लिखा। ठीक है, एडिटर पर। स्टेप नंबर 3, सेव आवर सोर्स कोड, अपने अपने सोर्स कोड को सेव किया। कैसे सेव किया था, abc.c नाम से आपने इसको सेव किया था। स्टेप नंबर 4 पर आपने क्या काम किया, कंपाइल, कंपाइल आवर सोर्स कोड। ठीक है, तो सोर्स कोड को कंपाइल किया आपने। फिर इसके बाद क्या किया, स्टेप नंबर 5 पर रन आवर सोर्स कोड, आपने अपने सोर्स कोड को फिर रन किया। और स्टेप नंबर 6 पर आपने क्या कर दिया, प्रेस एनी की, आप अपनी कोई सी भी की प्रेस कर देंगे तो आप आउटपुट वाली विंडो से हट करके कहाँ जाएंगे, सोर्स कोड पर वापस आ जाएंगे। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको अपना सोर्स कोड लिखना है एक फाइल में, फिर उस फाइल को सेव करना है, फिर उस फाइल को कंपाइल करना है, फिर उस फाइल को रन करना है एंड देन फिर कोई सी भी की आप प्रेस करके दोबारा से प्रोग्राम पर वापस आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख चुके हैं।
नाउ चलो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि ये स्टेप फिर से कैसे कैसे चलेंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा प्रोग्राम, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक क्वेश्चन। अभी तक मेरी इंक सेट नहीं हुई, मुझे ये इंक पसंद नहीं आई है, तो मैं कोई दूसरी इंक सेट करता हूँ। मुझे इंक समझ में नहीं आई, थोड़ी सी और देख लेते हैं कोई इंक। चलो मैं इसको सेट कर लूंगा बाद में, है ना, या ग्रिड से प्योर वाइट ले लेते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्योर वाइट को लेने से थोड़ा सा इसका मार्कर भी ठीक है, मैंने इसका साइज 4 कर लिया है। ओके तो मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ राइट ए प्रोग्राम, WAP को बोलते हैं राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट योर कंप्लीट होम एड्रेस। आपको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस क्या कराना है भाई, प्रिंट कराना है। इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। ओके तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो देखो, आप सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, मैं इसको डायरेक्ट वहीं पर लिख दूँ प्रोग्राम को सोर्स, या चलो एक बार यहाँ लिख देते हैं फिर उसको हम दोबारा वहाँ पर लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर आपने लिखा यहाँ पर void main। ओके फिर यहाँ पर आपने लिखा clrscr और यहाँ पर आपने लिखा print f। अब देखो एड्रेस जो आता है वो s लिखा हुआ आता है टू, ठीक है? फिर यहाँ पर लिखा रहता है मिस्टर राजीव कुमार, ऐसे लिखा आता है। फिर आता है यहाँ पे हाउस नंबर 232, ठीक है, और प्रताप नगर दिल्ली ऐसे, और यहाँ पर एक नंबर लिखा रहता है ऐसे करके, ठीक है, और इंडिया। तो ये एड्रेस इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या लिखना है, प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, टू। तो मैंने भैया यहाँ पर टू लिख दिया, टू के बाद कोमा लगा, फिर यहाँ पर एक स्लैश एन लगा दिया। अभी सिर्फ आप प्रोग्राम देखो, ठीक है, ये मत सोचो कि सर पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे होंगे और हमें समझना भी नहीं है, ठीक है? बस हम ये देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है, हमें ये कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये जो लिख रहे हैं ये हो सकता है आपको अभी टिपिकल लग रहा हो, लेकिन बाद में ये बिल्कुल समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहली लाइन में ये लिखना था मुझे, मैंने लिख दिया। दूसरी लाइन में ये लिखना था, तो दूसरी लाइन में ये लिखते हैं भाई। तो फिर से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, क्या लिखना था, मिस्टर राजीव कुमार, ये लिखा था। यहाँ पर भी स्लैश एन लगाकर इसको क्लोज कर दीजिए। फिर तीसरी लाइन पर ये लिखना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पर क्या लिखा था, हाउस नंबर 232 प्रताप नगर, लिख दिया इस तरीके से, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन पर जाइए प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख दीजिए आप दिल्ली 281009 स्लैश एन, और लास्ट टाइम में लिखिए इंडिया प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख दीजिए INDIA इंडिया। ओके और इसके बाद लास्ट में लिख दीजिए गेट CH,
तो ये तो बन गया भाई पूरा प्रोग्राम। ओके, ये समझ में आपको आ गया होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो लगा है महेश प्रताप नगर के बाद, यहाँ पर स्लैश सेन के बाद इस तरीके से लिखा हुआ। तो ये जो है ये पूरे का पूरा आप कहाँ से कहाँ तक का भाई, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो ये पूरा प्रोग्राम है कहाँ से कहाँ तक है, ये जो लिखा हुआ है ये, सॉरी ये जो है ये पूरा प्रोग्राम है ये वाला, देख रहे हैं ये। अब इस प्रोग्राम का नाम हमने सपोज रेट रख दिया दोबारा से abc.c रख दिया, ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करेंगे, पहले सेव करा प्रोग्राम को, अब क्या करेंगे कंपाइल, और फिर इसको क्या करेंगे रन करेंगे और अपने आउटपुट को देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। ओके, तो चलो फिर से चलते हैं अपने कंपाइलर की ओर, और मैं आ गया यहाँ पर। इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आप Alt प्लस एंटर प्रेस करेंगे, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोग्राम का नाम क्या है अभी, तो abc.c है, मैं इसी में मॉडिफाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से लेकर के इसको हटा देता हूँ, देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये सब डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। वॉइड मेन लिखा और clrscr लिखा, ओके इस तरीके से। और अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रिंट प्रिंट एफ, एंड देन हमने यहाँ पर लिखा था टू टी और टू कोमा लगा था, और यहाँ पर स्लैश एन लगाएंगे इस तरीके से, और इसको बंद करके यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। फिर लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखा था, मिस्टर एम आर एम और आर, मिस्टर राजीव कुमार ऐसे लिखा था। यहाँ पर फिर से स्लैश एन लगाइए डबल कोट्स के अंदर, और इस तरीके से बंद कर दीजिए। फिर लिखिए प्रिंट एफ, फिर लिखिए क्या लिखा था, हाउस नंबर 232, ठीक है, प्रताप प्रताप नगर लिखा था ऐसे, एन कैपिटल था तो आप भी लिख सकते हो एन कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप नगर स्लैश एन लगाइए फिर से, इसको क्लोज करिए, फिर लिखिए प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखिए क्या क्या लिखा था भाई, यहाँ पर दिल्ली दिल्ली, और इसके आगे क्या लिखा था, 2281009 कुछ ऐसे लिखा था, है ना। स्लैश एन लगाइए फिर से, क्लोज करिए इस तरीके से, और लास्ट लाइन में क्या लिखा था, प्रिंट एफ इंडिया INDIA इंडिया लिखा था इस तरीके से, एंड देन गेट CH लिख दिया आपने, और ये प्रोग्राम आपने क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, प्रोग्राम को सेव करना है, तो फाइल पर जाएंगे आप, ऑल्ट प्लस एफ से भी जा सकते हैं, और यहाँ से सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन करना, कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एफ 5 की आपने यहाँ से प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखो वार्निंग जीरो है, एरर जीरो है, कोई एरर नहीं कोई वार्निंग नहीं, प्रेस एनी की कर दिया। अब आपको क्या करना, रन, तो ऑल्ट एफ से आप रन पर चले जाएंगे इस तरीके से, और कंट्रोल एफ 9 प्रेस कर देंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, टू मिस्टर राजीव कुमार, हाउस नंबर 232 प्रताप नगर दिल्ली 281009, एंड देन इंडिया। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए हैं। आप यहाँ पर कोई सी की प्रेस कर सकते हैं, तो एंटर करके आप यहाँ से वापस आ गए हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर वापस आ गए हैं, और हम आपको दिखा रहे थे ये, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम कुछ सी लैंग्वेज के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी जो मेन लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मैं इसको करता हूँ क्लोज।